कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में, जानेंगे खाद्य तेल बाजार में खास तौर से लोकल मिलों के बारे में आज जानेंगे, साथ ही देखेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, टैंकर की कीमतों में आज किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, विस्तार से बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो खाद्य तेल बाजार के बारे में बात करते हैं। तो खाद्य तेल बाजार में आज अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। विदेशी बाजारों में इंडोनेशिया ने अपने पाम तेल निर्यात कोटे के अनुपात को समीक्षा करी है, और साथ ही खाने पकाने के तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और स्थानीय आपूर्ति बनाए रखने के लिए इंडोनेशिया निर्यात कोटे को संशोधित करने की योजना भी बना रहा है, और साथ ही वर्तमान में इंडोनेशिया में निर्यात कोटा 1:6 के अनुमान में निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही चीन के बाजार में मजबूती स्थिर है, और सीबीओटी सोया तेल को देकर केएलसी आज मजबूती के साथ। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। खुला है भारतीय बाजारों पर पाम तेल और सोया तेल की कीमतों को आज अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती की वजह से सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही यदि मलेशिया पाम तेल निर्यात में सुधार देखा जाता है तो केएलसी को समर्थन मिल सकता है और उच्च स्तर बाजारों पर बना रहेगा। विदेशी बाजारों के बाद अगर बात करते हैं घरेलू बाजार के बारे में, तो घरेलू बाजार में लोकल मिलों में आज हल्का सा सपोर्ट मिला है। थोड़ा सपोर्ट मिलने की वजह से बाजारों में लोकल मिलों में पामोलिन और सोया ऑयल के साथ साथ वनस्पति कीमतों में बाजारों में हल्का सुधार देखा गया है। कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं तो बाजारों में 10 से 15 रुपए तक की पर लीटर के हिसाब से तेजी आई है, और बाजारों में जो रेट है मयूर वनस्पति में 15 लीटर का रेट 1315 चल रहा है। पामोलिन 15 लीटर कीमत 1390 रुपए हो गई है। 1 लीटर पामोलिन का रेट बाजारों में 94 रुपए देखा जा रहा है। सोया ऑयल में 15 लीटर कीमत 1790 देखी जा रही है। 1 लीटर सोया ऑयल का रेट बाजारों में आप 120 रुपए देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा फॉर्च्यून में 15 लीटर कीमत 2020 है। 1 लीटर का रेट 137 चल रहा है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में 1 लीटर कीमत 124 है। पामोलिन में 1 लीटर का रेट बाजारों में 96 रुपए देखकर आप चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो बाजारों में यहां पर भी 1 से 2 रुपए पर किलोग्राम तक की बढ़त देखी गई है, और बाजारों में राइस ब्रांड का रेट 96 रुपए हो गया है। सोया ऑयल कीमत 120 चल रही है। सोया डीओ का रेट बाजारों में 118 है। मस्टर्ड की कीमत 124 देखी जा रही है। एक्सप्लोर का रेट बाजारों में 123 है। पामोलिन का रेट बाजारों में आप 96 रुपए देखकर चल सकते हैं। तो बाजारों में इस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा बाजारों में तेजी नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा बाजारों में गिरावट देखी गई है। विदेशी बाजार में आज सुधार देखा जा रहा है, जिस चीज का सपोर्ट आप घरेलू बाजार पर देखकर चल सकते हैं। बाजारों में हल्की तेजी देखी गई है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो आज के लिए नजर आ रहा है विदेशी बाजारों को देखते हुए फिलहाल के लिए स्टेबल है। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो अच्छा लेवल है। आप बाजारों में अपनी कैपेसिटी की जरूरत के हिसाब से गिरावट पर यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।